हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जे एस गिल, एक्स साइंटिफिक ऑफिसर BARC। पिछले 8 साल से मैं ESE एंड गेट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। हम लोग अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज लेके आ रहे हैं, लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये उस सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग उन एस्पिरेंट से बात करेंगे जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर चुके हैं। उनका वर्क प्रोफाइल कैसा है, उनका ESE के बाद लाइफ कैसा है, उनका जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, उनका प्रमोशन कैसा है। तो हम लोग रियल लाइफ में जो ESE के बाद का लाइफ है आफ्टर क्लियरिंग ESE एग्जाम्स। बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कि ESE क्लियर करने के बाद हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, हम कैसे कैसे हमें वर्क प्रोफाइल मिलेगा या हमारा प्रमोशन कैसे रहेगा। तो बहुत सारे जो हमारे लर्नर्स और एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस चीज को लेकर बहुत क्यूरियस होते हैं कि ESE क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है। तो इसी के लिए हम लोग एक नया इंटरव्यू सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग उन लोगों को आपके साथ इस इंटरव्यू सीरीज में उन लोगों से हम लोग बात करेंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिन्होंने ESE क्वालिफाई किया हुआ है। सो इफ आई टॉक अबाउट ESE इज कंडक्टेड बाई UPSC एनुअली, और ESE का 2 स्टेज होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉलोड बाई इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स दोनों स्टेज को क्लियर करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में अपॉइंटमेंट मिलता है। सो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स का, सो दे आर समथिंग लाइक दिस: सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन नवल ऑर्नामेंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन सप्लाई सर्विसेज, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। सो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां एस्पिरेंट्स को ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद पोस्टिंग मिलता है। और इन जॉब्स का क्या एक्सपीरियंस है, यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक नमन द्विवेदी। तो आज हम लोग इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका लाइफ आफ्टर क्लियरिंग ESE कैसा है और इनका जॉब ESE जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है। सो अभिषेक, वेलकम टू दिस इंटरव्यू सीरीज। आई होप कि आप लर्नर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सर, इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहूंगा कि सर, मैं अभिषेक नमन, मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन फतेहपुर से किया 10th और 12th। फिर उसके बाद सर, मैं 2012-16 मैंने बीटेक JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वो नोएडा से किया। फिर सर, आई हैव अटेम्प्टेड इन 2016 गेट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सेलेक्टेड एंड गॉट रैंक अराउंड 10,000। बट आई सर, मैंने फिर प्रेपरेशन स्टार्ट रखी अपनी, और 2017 में मैंने अपना प्रिलिम्स दिया। उसमें फर्स्ट प्रीलिम था क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हो चुका था, उसमें सर फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में, बट स्टिल आई स्टार्टेड कंटिन्यू माय प्रिपरेशन। तो सर फिर 2018 में मैंने प्रीलिम्स किया, वो क्लियर हुआ। 18 में मेंस दिया, वो क्लियर हुआ, और फाइनली इंटरव्यू में सर हो गया उसमें। तो सर फिर बाद में मुझे अपना जब डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ तो मुझे सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिला, और अभी सर मैं मिजोरम में पोस्टेड हूँ। ये अपनी मेरी फर्स्ट टेन्योर है यहाँ पे। तो सर ये इंट्रोडक्शन बेसिक। सो आई होप कि जो अभिषेक का हम लोगों ने इंट्रो देखा है, इससे ये जो अभिषेक के साथ हमारा बातचीत है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक एस्पिरेशन या आप कह सकते हैं मोटिवेशन होने वाला है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में फेल हुए हैं और फिर उन्होंने फाइनली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। तो स्पेशली जो रिपीटर्स हैं जो पहली बार में सक्सेस नहीं पा पाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों का बातचीत है अभिषेक के साथ, ये उनके लिए एक एस्पिरेशन रहेगा। सो अभिषेक, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर क्रैकिंग दिस ESE एग्जामिनेशन? सर, इंस्पिरेशन तो मेरी मदर थी, वो अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको देख के ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया, क्योंकि वो मैं बचपन से वही माहौल में रहा हूँ। तो मेरी मम्मी जी जो है, उन्हीं की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और फाइनली मैं यहाँ पे हूँ सर। ग्रेट अभिषेक। सो मैं चाहूंगा कि आप लर्नर्स के साथ अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करें, क्योंकि
मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेटजी काफी आपने काफी वर्कआउट किया होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको सक्सेस नहीं मिला, इंटरव्यू तक आप पहुंच पाए और फाइनली आप सक्सीड हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लर्नर्स के साथ डिस्कस करें, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सके। सर मैं नोएडा में था, तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बट सर वही इनिशियल में कॉलेज और जो हमारा प्रिपरेशन होती है उसमें मैं सर फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वही कॉलेज और हमारा जो प्रिपरेशन हो रही थी उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से स्टार्टिंग में मैं इतना फोकस नहीं था। बाद में जब फुल ड्रॉप लिया मैंने सर 2017 वाला, उसमें सर मैंने थोड़ा अपना ध्यान लगाया, बट उसमें भी सर मेरा एक फुल फोकस ना होने के कारण, क्योंकि सर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। लेकिन सर 2018 में जब थोड़ा पैटर्न समझा कि ये इस तरह के 10 न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए और हमारा एक ही हमारा पेपर था टेक्निकल वाला, वो एक हो गया, तो सर उससे काफ़ी हेल्प मिलती गई। और उसके बाद सर मैंने काफ़ी अच्छे से टेस्ट सीरीज दिया मैंने और रिवीजन किए सर, डॉट नोट्स बनाए सारे, और रिवीजन ही है ऐसी चीज़ है, और टेस्ट सीरीज की जो रिवीजन है वो करता रहा मैं सर, और फाइनली सर प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद सर मेंस में मैंने प्रीवियस ईयर ही लगाए सारे, और प्रीवियस ईयर भी सर प्री और मेंस के मैंने 3 times to 4 times लगाए हैं केवल ESE के प्रीवियस ईयर सर, उसमें मोर देन इनफ है सर सिलेक्शन के लिए। फिर सर फाइनल सर इंटरव्यू के लिए भी मैंने काफ़ी प्रेपरेशन की थी सर, उसमें मैंने सर मॉक टेस्ट काफ़ी सीरियसली लिया था सर। पहले तो सर मेरे 90 मार्क्स आए थे फर्स्ट मॉक में, क्योंकि सर कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम थी, बट सर मैंने फिर 8 to 9 मॉक्स दिए सर, तो उसमें जाके मेरा फाइनल स्कोर सर 115 तक आ गया था, तो देट वॉज गुड सर। तो सर एटलीस्ट वही है कि हम लोग जितना प्रेपरेशन करते रहे, हार्डवर्क करते रहे सर, तभी जाके फाइनल से सिलेक्शन होता है सर। ग्रेट अभिषेक, ग्रेट। सो अभिषेक से जो हमने बातचीत किया अपने लर्नर्स के लिए, जो अभिषेक का स्ट्रेटजी था उनको हमने कुछ पॉइंट्स में समराइज किया है। तो आप जब ये इंटरव्यू देख रहे हो तो आप एक मिनट वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स एक बार देख सकते हैं जो हमने जो हमें अभिषेक ने डिस्कशन में बताया। तो आप ये सारे पॉइंट्स हमने समराइज कर दिए लर्नर्स के लिए, आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं जो हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अभिषेक ने बताया है। अभिषेक, what were the mistakes you did while preparing for ESE? सर मिस्टेक्स तो काफी रही है सर, इसी वजह से काफी टाइम लगा सर। सर पहली मिस्टेक तो यही है कि सर कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती थी, क्योंकि सर डेली ही जब तक वो टच में नहीं रहेगा कोई टॉपिक तब तक सर प्रॉब्लम होती है सर, इस वजह से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं हो पाता था। तो प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट डेली, और सर डिसिप्लिन नहीं रह पाता था सर, मतलब स्टार्टिंग में काफी देर तक सिटिंग बैठना और उठ जाना, तो डिसिप्लिन में सर थोड़ा प्रॉब्लम था। बाद में सर डिसिप्लिन आता गया धीरे धीरे। फिर सर वही प्रीवियस ईयर पे हम लोग काफ़ी फोकस नहीं करते थे, इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कुछ ये सब प्रॉब्लम थी सर। फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम थी सर कि हम लोगों ने सर एक क्वेश्चन पे जैसे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो उससे क्या होता है सर हमारा पूरा टाइम निकल जाता था। उसमें बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ज़्यादातर पेपर देते गए तो जो क्वेश्चन लेंदी है उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का ट्राई करना चाहिए सर। तो इससे ये है कि हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, तो ये फायदा रहता है कि हमें पता लगता है कि तो हम मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई करते हैं सर, ये मतलब बाद में पता लगा था जब एग्जाम देते थे, टेस्ट सीरीज देते थे। तो आई होप कि अभिषेक आपकी जो आपने मिस्टेक्स जो पॉइंट आउट किया है, ऐसे लर्नर बहुत सारी कुछ सीखेंगे, और इन जो मिस्टेक आपकी मिस्टेक है इससे वो जरूर सीखेंगे और इनको वो अपनी प्रिपरेशन में रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे अभिषेक बताया कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, आपको क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में जाना है तो ध्यान से पढ़ना है, राइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उससे ड्रॉ करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आंसर जो लाते हैं वो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ABCD ऑप्शन में तो होता है, तो इससे बहुत बार लोगों को नुकसान होता है।
अच्छा, और बहुत सारा जैसे अभिषेक ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि हम लोग बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, प्रॉपर रिविजन नोट्स नहीं बनाते हैं और कोई हमारा डिसिप्लिन नहीं है, तो ये सारा जो मिस्टेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिगिनर के लिए या रिपीटर के लिए जानना, क्योंकि अगर जब तक हम इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे हमें फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है। सो आई होप कि ये जो मिस्टेक्स अभिषेक ने शेयर किया है हमारे साथ, ये लर्नर्स के लिए जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप समझ लो कि एक एसेट होने वाला है जिसको वो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अभिषेक से बातचीत के दौरान अभिषेक ने जो हमें मिस्टेक्स अपना बताया उसको हमने एक पॉइंट्स में इकट्ठा किया है, तो आप वीडियो पॉज करके इन मिस्टेक्स को देख सकते हैं और खुद की प्रिपरेशन में इनको अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यू फॉलोड फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी सर सिंपल थी कि अगर इंटरव्यू में ज्यादा जाना है तो उसके पहले सर जितने ज्यादा मॉक दे सके तो वही लाइव सर सिचुएशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि वही एक यूपीएससी पैनल मेंबर होगा और तीन टेक्निकल मेंबर होंगे, तो सर जैसा हम लोग जितनी ज्यादा बार मॉक देंगे उतना हमारा सर ब्रेन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कि हाँ जब फाइनल इंटरव्यू डे आएगा तो उसी तरह का अरेंजमेंट होगा। तो सर उसी तरह सुबह उठना और प्रॉपर रेडी होना, पूरा ड्रेसअप करना और हर एक मॉक इंटरव्यू में प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना सर, तो यही प्रॉपर इंटरव्यू प्रोटोकॉल फॉलो किए सर, और सर इसी की बार बार प्रैक्टिस की और सर कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस किया तब जाके सर इंटरव्यू थोड़ा ठीक हुआ सर। अभिषेक, अगर आप ये बता पाएंगे कम्युनिकेशन का, जो आप ईएससी का इंटरव्यू होता है उसमें कम्युनिकेशन का कितना रोल रहता है, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर द लर्नर्स। सर कम्युनिकेशन का रोल सर काफी रहता है, क्योंकि सर वहाँ पे ऐसा नहीं होता सर कि केवल इंग्लिश इंग्लिश है या केवल हिंदी हिंदी है, आप बोथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ में आना चाहिए सर। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं समझा पा रहे हैं टेक्निकल या एचआर में, क्योंकि 80% टेक्निकल होता है इंटरव्यू और 20% एचआर होता है, तो सर जो भी आप बोलना चाह रहा है, मतलब जो भी कैंडिडेट बोलना चाह रहा है वो उनको अगर समझ में आता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है अपने टेक्निकल में, या तो वो हाँ है या तो ना है सर, मतलब कि इफ यू डोंट नो द आंसर देन सिंपली से सर आई डोंट नो, तो वो भी वो मान जाते हैं सर। बट सर अगर कंफ्यूजन है और कंफ्यूजिंग करते जा रहे हो तो सर वो डाउट में आ जाता है, इससे सर क्लियर नथिंग सर। सो अभिषेक, जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल पर जब आपने इंटरव्यू दिया तो कैसे वर्क किया, अगर आप लर्नर को बता सके तो। सर प्लीज सर, आपने बताया ना जैसे कि कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल इन द इंटरव्यू ऑफ ईएससी एग्जामिनेशन, तो आप हमें बताएं कि आपने अपने इंटरव्यू स्किल्स पे कैसे काम किया, उससे हमारे लर्नर्स को काफी। सर वही सर, मैं मॉक इंटरव्यूज देने जाता था तो वहाँ पे प्रॉपर सर इंटरव्यू होता था, जो वही कल क्वेश्चन मुझसे पूछ जाते थे, मैं उनको अच्छे से डायग्राम समझा के और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता था। तो सर इंटरव्यू में सर वही है कि आप या तो सर कम्युनिकेट करें अपने फ्रेंड से इंग्लिश टू इंग्लिश, या अपने फ्रेंड से आप क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे तो आप उसको जवाब देंगे, तो वो भी सर एक तरह का प्रैक्टिस होगी। मतलब सर आपको वो इन्वायरमेंट उसी तरह का क्रिएट करना पड़ेगा कि टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप कम्युनिकेशन नहीं सर, जब तक आप रिटेन और प्री और मेंस देते हैं तब तक आपका काम सिर्फ रिटेन होता है सर, बट सर जहाँ इंटरव्यू की बात आ जाती है वहाँ पे आपको मुंह से बोलना पड़ता है, तो वहाँ पे सर थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा जो माइंड और हैंड काम कर रहा होता है, फिर उसके बाद सर माइंड और माउथ का सीन आ जाता है सर, तो जो भी टेक्निकल नॉलेज है सर उसको बोल के एक्सप्लेन करना वहां से सर स्टार्टिंग शुरू कर देना चाहिए अपने फ्रेंड से, फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू से सर। अभिषेक, अगर मैं टू बी प्रिसाइज आपसे बात करूं तो कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का कितना रोल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप अगर बता सकें कम्युनिकेशन में कितना परसेंट रोल लैंग्वेज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज प्ले करता है इंटरव्यू में, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर द लर्नर्स।
सर ऐसा देखा गया है सर, काफी जो मेरे फ्रेंड्स ने अभी सेलेक्ट हुए हैं उसमें सर 60% तो सर हिंदी वाले स्पीकिंग थे। उन्होंने जाते ही बोल दिया था कि सर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हिंदी में हूँ। तो उनका इंटरव्यू पूरा हिंदी में चला था। और सर 20% से जो मिक्स चला था सर मेरा, जैसे कि 50% हिंदी चल रहा था, 50% इंग्लिश चल रहा था, और 20% स्टूडेंट जो थे वो प्योर इंग्लिश थे, जो साउथ सर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हैं वो सर, क्योंकि नॉर्थ में यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, तो सर वो पूरा इंग्लिश में चला गया। तो सर कम्युनिकेशन में सर बस वही है कि उनको समझ में आना चाहिए जो आप बताना चाह रहे हैं। लैंग्वेज सर कैसी भी हो वो समझ जाएंगे सर। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अभिषेक जी जो बता रहे हैं कि कुछ चीजें जो मैं अगर इंटरव्यू के लिए समराइज करना चाहूँ, तो जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करें। जो आपका इंटरव्यू होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बैरियर नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। जैसे अभिषेक जी बता रहे हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया और उन्होंने अच्छा रैंक स्कोर किया। सो जो एस्पिरेंट्स का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनको बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपका सिलेक्शन में कोई बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला नहीं है। रदर आप अपना अगर इंग्लिश इंप्रूव करते हैं तो आपको अपने वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में वो हेल्प करेगा, नो डाउट, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश का एक योगदान है। अगर आप इम्प्रूव कर सके तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका ईएससी में सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो अभिषेक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर प्रोफाइल? सर अभी मैं AEE मैकेनिकल हूँ सर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो इक्विवेलेंट टू सर कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी है सर। तो सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये है कि जो भी बॉर्डर रोड में सर जो रोड बनती है उनमें जो व्हीकल्स इक्विपमेंट सारे जितने हैं उनका सर, जैसे अराउंड यहाँ पे जिस सेक्टर में मैं हूँ सर अराउंड 200 व्हीकल्स और इक्विपमेंट हैं, तो उनका सर मेंटेनेंस रखना कि कोई भी व्हीकल ऑफ रोड ना हो और वो चलता रहे। तो उनका सर देखना, उनकी डिमांड रेज करना कि जो भी गाड़ी खराब हुई है उसका हमारा जो मैकेनिक है वहां जाके सही करे, और यही सब सर ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क। तो सर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी गाड़ी जो है वो हमेशा 24 आवर चलती रहे सर, हमारा डेवलपमेंट रुके ना, काम बढ़ता रहे। ग्रेट अभिषेक, ग्रेट अभिषेक। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि बीआरओ का जो लाइफ है काफी चैलेंजिंग है, आपको मैक्सिमम टाइम बॉर्डर्स पे रहना पड़ता है, और एज अ इंजीनियर्स एक आप कह सकते हैं कि 50% एक आर्मी जैसा लाइफ होगा आपका, और काफी चैलेंजिंग रहता होगा। तो आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? सर वर्क लाइफ बैलेंस सर इन द सेंस कि सर ये जॉब तो सर 9 to 5 ही है, लाइक मोस्ट ऑफ द जॉब हमें वहां जाना पड़ता है और ऑफिस में ऑफिस काम होता है, वहां पे वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में सारी गाड़ियां आती रहती हैं जिसमें जो खराबी होती है, तो उसमें मैं देखता रहता हूँ कि कौन सी गाड़ी में क्या कमी है, क्या मेंटेन करना है, क्या डिमांड राइज करनी है। और सर रहना तो सर बॉर्डर में पड़ता है क्योंकि सारा काम यहाँ पे बीआरओ का बॉर्डर में हो रहा होता है। और सर 9 to 5 के बाद, सर 5 के बाद तो फ्री हो जाता हूँ। और बाकी सर ये रहा कि ये पूरी आर्मी एक्ट है, तो इट इज कम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर आर्मी एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। तो सर यहाँ पे हॉलीडेज भी काफी मिल जाती है, अराउंड 100 के छुट्टियां मिल जाती हैं, तो सर वो भी बैलेंस करने के लिए इनफ है सर। तो आपका जो प्रोफाइल है इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे दिख रहा है कि आपको काफी छुट्टियां मिलती हैं, तो आप काफी लंबे समय तक सर घर रह सर सकते हैं, जो कि क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ बीआरओ है। सर सर अच्छा अभिषेक जी, आप हमें क्या बता पाएंगे कि ड्यूरिंग योर सर्विस आपको कौन कौन से लोकेशन पे पोस्टिंग मिल सकता है, या कहाँ कहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जा सकता है? बॉर्डर रोड में तो 50% सर आपको हिमालयन रीजन मिलेगा, जैसे कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और 50% सर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जैसे कि अभी मिजोरम में मैं हूँ और नागालैंड में है कुछ मेरे फ्रेंड्स, अरुणाचल में है और सिक्किम में है। और सर कुछ टाइम बाद आपकी पोस्टिंग पुणे में हो जाती है, और इसका हेडक्वार्टर सर दिल्ली में है, DGBR, तो वहां पे भी सर पोस्टिंग हो जाती है कुछ टाइम बाद सर। तो कितना टाइम लगता है आपको लाइक पुणे और दिल्ली में पोस्टिंग लेने में?
कितना टाइम आपको सर्विस देना पड़ेगा ऑन बॉर्ड? सर अराउंड सर 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स सर बॉर्डर में रखेंगे। जब थोड़ा एज सर बढ़ने लगेगी तो सर उसके बाद यहाँ हमें सॉफ्ट एरियाज में दे देंगे सर। राइट, मतलब इन द बिगिनिंग 8 and 10 years जो आपका वर्क प्रोफाइल है इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, उसके बाद आप लाइक इट विल बी लाइक नॉर्मल नॉर्मल जॉब कि आप पुणे या दिल्ली में पोस्टिंग आपको मिल जाएगा। राइट, ग्रेट। यस सर, चंडीगढ़, इट इज आल्सो माय लोकेशन इज चंडीगढ़ सर। राइट राइट राइट, दैट मींस आपका जो नॉर्मल जैसे बाकी जॉब्स में पोस्टिंग होता है 8 to 10 years के बाद इसका पोस्टिंग भी वैसा ही हो जाता है ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर So what are the challenges you faced in this profile? सर चैलेंजेस आर सर इट इज अ टफ जॉब सर। वी हैव टू लिव इन रिमोट लोकेशंस, लाइक आई एम इन राइट नाउ इन मिजोरम एंड ऑल्सो सर माई फ्रेंड्स आर इन रिमोट लोकेशंस वेयर द फर्स्ट टाइम सर, जहाँ पे पहली बार हमारा जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे आज के पहले कभी सर रोड नहीं बना, तो सर हम लोग को वहाँ जाके वहाँ पे पूरा जो सिविल इंजीनियर है उनका मेन काम होता है सर वहाँ जाके उनका जॉब का वहाँ देखना कि किस माउंटेन पे हमारा फॉर्मेशन कटिंग होगा और कहाँ से रोड जा सकती है। जैसे कि रोहतांग टनल है सर जो अभी बना है हमारा इंडिया वहाँ पे जो मनाली में सर वो भी बॉर्डर रोड में बनाया है, तो सर वो काफी टफ जॉब होती है क्योंकि सर वेदर भी काफी हार्श होता है सर। लेह लद्दाख में भी सर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो सर यही चैलेंजेस हैं वेदर का और रिमोटनेस का। और सर फैमिली से भी सब लोग अभी तो दूरी है क्योंकि सर वही छुट्टियों में जाना हो पाता है, तो सर यही बेसिक चैलेंजेस हैं। तो आपकी बातों से मैं ये देख सकता हूँ कि आपका जो जॉब है वो चैलेंजिंग होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप ऐसे लोकेशंस पे रह रहे हैं जहाँ आप नेचर के बहुत करीब हैं। अभिषेक, कैन यू टेल अबाउट द सैलरी एंड पर्क्स यू आर गेटिंग फॉर दिस प्रोफाइल? सर इट इज द हाईएस्ट पे जॉब, तो सर इसका बेसिक पे 56,100 है और ये सर 54 की जॉब है और सर ये इसमें सर इसके बाद अलाउंसेस मिलते हैं सर। इसमें पहला अलाउंस सर होता है डियरनेस अलाउंस जो 17% अराउंड चल रहा है। यहाँ का जहाँ का प्रेजेंट सिटी में है तो सर एक्स वाई जेड तीन सिटी होती है, तो सर यहाँ पे जेड सिटी 1% मिल रहा है। और सर इसका एस पी एल आर ए करके एक अलाउंस होता है सर, वो रिमोट लोकेशन अलाउंस होता है क्योंकि सर यहाँ पे रिमोट है एरिया काफी। और सर एक नॉर्थ ईस्टर्न अलाउंस या हाई अल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है जो बंदे यहाँ पे पोस्ट होते हैं क्योंकि काफी रिमोट एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है। और सर एक स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है सर, वो भी मिलता है सर। और सर पर्क्स में सर क्योंकि सर ये यहाँ पे ये आर्मी रूल है यहाँ पे, तो सर इसमें सारा कुछ पहला तो राशन वगैरह सर मिलता है जो कि हम लोग को अलॉटेड है कैंटीन से आता है सर। और सर यहाँ पे वही सर कार और ड्राइवर कुक वगैरह हैं और सर ग्रेट सर उसके बाद सर फैसिलिटीज तो सर सारी देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद सर एक सी एस सी कैंटीन कार्ड भी मिलता है सर हमें आर्मी पर्सनल वाला, इसमें सर हम लोग अपना बेसिक जो ग्रोसरी है वो सब आइटम सामान ले सकते हैं। और सर यही है सर बेसिक। तो सर सो कैन यू समराइज कि आफ्टर यू नो एडिंग दिस बेसिक पे एंड ऑल अलाउंसेस हाउ मच सैलरी यू गेट इन हैंड? सर ग्रॉस सैलरी इज अराउंड 85,000 एंड इन हैंड वी विल गेट अराउंड आफ्टर कटिंग फ्रॉम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम we get around 77 in hand sir. That's great. So Abhishek, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक आपने आई होप कि ये जो आपको सक्सेस मिला है इट वॉज इन सेकेंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट? सर इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट सर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा कि लाइक आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं रहे तो और सेकंड अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल रहे, तो आपने क्या अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया जब आप पहली बार यू नो क्रैक नहीं कर पाए, तो आपने आपको कैसे एनालिसिस किया कि क्या-क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे
कैसे इस चीज को इम्प्रूव करना है? सर 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 फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ये था कि सर मैंने केवल क्वेश्चंस पे फोकस किया था सर, केवल मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे और सर उसका कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि यही मैंने गलती की थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं फॉर्मूले याद कर लेता हूँ और क्वेश्चंस लगा लेता हूँ तो हो जाएगा, बट इससे नहीं होता सर। सर आपको कॉन्सेप्ट भी एक एक चीज़ शॉर्ट नोट सर तभी मैंने बनाना स्टार्ट किया सर, जो कि मैंने 2017 में नहीं बनाया था। तो सर जब आप शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट किया तो मैंने जो कंसेप्ट है, जैसे कि एक पेज का जो कंसेप्ट है उसको मैंने 2-3 लाइन में समराइज करके लिखना स्टार्ट किया अपनी लैंग्वेज में कि जो मुझे समझ में आए। तो सर जैसे आप पूरी एक कॉपी को आप अगर छोटी सी कॉपी में शॉर्ट नोट बना देते हैं अपने ही लैंग्वेज में तो सर कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप फॉर्मूले और क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है सर। तो ये सर थोड़ा मिस्टेक हो गया था जो नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा। ग्रेट, अभिषेक ने एक बहुत अच्छा चीज बताया कि करंट सिनेरियो में जो कंपटीशन है ईएससी में, इसमें सिर्फ आप फॉर्मूले याद करके ईएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये काफी अच्छी चीज बताई है अभिषेक ने, और आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि आप फ्रिक्वेंटली चीजों को रिवाइज कर सके। टास्क ये नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, टास्क ये है कि आपको एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक, इस इंटरव्यू के एंड में हम लोग पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको तुरंत वन लाइन में आंसर देना है। सर, व्हाट इज बिगेस्ट फियर अबाउट ईएससी? सर द बिगेस्ट फियर इज आई थिंक अबाउट इज कंपटीशन सर, अ लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम इट? सर बाय प्रैक्टिसिंग हार्ड वर्क, by practicing again and again. If you do work hard, then you can beat talent. That is the one quote. So hard work is always beating talent, and practice and practice. That's how I overcome this fear. Correct. Great. Toughest subject to handle? The toughest subject is in mechanical engineering, sir, theory of machines, sir. It is the toughest one. Okay. One feeling you would cherish in your entire life? Sir, the day result, sir, the sir जो UPSC के list में sir जो नाम होता है sir, वो feeling तो sir highly cherishable है sir. Great. Online versus offline education? Sir, both are equally good, but if all the teachers come into online, तो sir काफी time बच जाता है sir आने जाने का, Delhi में रह के पढ़ाई करने का, और वहाँ का sir extra burden होता है sir वहाँ पे, तो sir ये online में sir थोड़ा फायदा है, बाकी अगर offline अगर उसी area में जहाँ रह रहे हो और ले सकते हो तो कोई problem नहीं है, but online में sir ये थोड़ा रहता है कि आने जाने का और रहने का तो काफी माइग्रेशन हो जाता है सर स्टूडेंट का, तो वो सब थोड़ा इश्यू रहता है सर ऑफलाइन में। ग्रेट अभिषेक। अभिषेक, आई होप कि आपका जो ये आपने सक्सेस पाया है ये सेकंड अटेम्प्ट में पाया है, तो आपका काफी लंबा जर्नी रहा होगा, लाइक 2 और 2.5 इयर्स आपने प्रिपेयर किया है। बहुत बार ऐसा मौका आता होगा जब आप डीमोटिवेट हो जाते होगे या आपको लगता होगा कि नहीं हो पाएगा, फिर आप कुछ मोटिवेशन गेन करते होगे और फिर से लगते होगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके साथ आप टैक्टिस शेयर करें, क्योंकि एक यूपीएससी का प्रिपरेशन एक बहुत लंबा जर्नी है और एक टास्क है हमारे पास कि हमें खुद को मोटिवेट करके रखना है। सो अगर आप कुछ शेयर कर पाए हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ, कि हमें खुद को कैसे मोटिवेट रखना है इस लंबी जर्नी में। सर ऑब्वियसली है कि जब आप कभी ना कभी तो सर आपके मार्क्स कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, तो सर जब कम आते हैं मार्क्स तो सर हमें ये सोचना है कि कैसे कम आए, उस पे फोकस करना है कि किस पॉइंट पे हमारा कमी रह गई, और सर जो एक अच्छा आप ही है जिस टेस्ट में क्वेश्चन में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक अच्छे कॉपी बना लें कि ये मिस्टेक्स वाली कॉपी है मेरी, मतलब इस वाले कॉपी में मैं केवल मिस्टेक लिखूंगा जो भी मेरे आज तक की मिस्टेक हुई है,
तो सर अगर आप मिस्टेक से सारा काम कर लेते हो और सही क्वेश्चन तो आपके सही ही है, तो मिस्टेक कॉपी और सही वाला। और सर मोटिवेशन के लिए सर यूट्यूब में काफी वीडियोज हैं और टीचर्स हैं हमारे जो कि सर ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ सर जब हमारे टीचर्स हमारे सीनियर्स सर हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं और कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही सकते हैं सर। ग्रेट अभिषेक, आपने रैपिड फायर राउंड के आपके मैं आंसर देख रहा था तो आपने एक चीज बताया था कि आप यू नो प्रैक्टिस से टैलेंट को बीट कर सकते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा आप इस चीज को इलैबोरेट कर पाए तो आई थिंक कि इट वुड बी ग्रेट फॉर अ लर्नर्स। सर वही बात है सर कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सर काफी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, हमारे प्लेयर्स हो गए, हमारे फुटबॉल प्लेयर्स, तो सर काफी लोग बॉर्न टैलेंटेड नहीं होते बट सर वो इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड पे कि वो सर उनको फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाए, गर्मी सर्दी ठंडी, सर वो उसमें परफॉर्म कर ही देंगे। सर उनका माइंड इतना मेकअप हो जाता है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उनकी सर प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है तो सर वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि सर हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज भी इसी तरह चलता है सर, ठंडियों में होता है सर प्रीलिम्स और गर्मियों में होता है मेंस, तो आपको अपना हमेशा कूल मेंटेन रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन पे ताकि जैसे भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, तो आपको जितना आप माइंड कूल रहेगा उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो सर यही है कि हम लोग को हमेशा यही देखना चाहिए कि मोटिवेशन के साथ हमें पढ़ाई करती रहनी चाहिए और सर हार तो नहीं मानना चाहिए बंदे को क्योंकि सर कुछ ना कुछ सर फाइनल में हो जाता है अगर आप लगे रहते हैं। सर मेरे सारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फाइनल तक लगे रहे और इस साल तक भी उन्होंने अच्छी रैंक पा ली है सर। अभिषेक, लास्ट लास्ट मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। अभिषेक, आई एम आस्किंग व्हाट विल बी योर लास्ट सजेशन फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आप कोई सजेशन देना चाहें तो। सर फ्यूचर एस्पिरेंट को यही सजेशन है सर मेरा कि वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अराउंड 60-70 क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, कंसेप्ट क्लियर करते रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें और रिवीजन करते रहें। सर यही है सर। सो थैंक यू अभिषेक। आज हमारे साथ इस सेशन में अभिषेक थे जो कि बीआरओ में पोस्टेड हैं और आई होप कि इन्होंने जो स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है वो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाला है। बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो इस स्टोरी से मोटिवेट होंगे, वो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो सीरीज है वो कैसा लग रहा है और फ्यूचर में हमें इस पे और वीडियोस बनाने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताकि जो जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जो अभिषेक का एक्सपीरियंस है वो फायदा कर सके। और फ्यूचर में भी अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए फ्यूचर में, तो हम लोग और भी एस्पिरेंट्स के साथ इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।